नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशासनिक अधिकारियों से की अपील। आईएएस अफसर ध्यान रखें कि राजनीतिक दल टैक्सपेयर्स का पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष के इस्तीफे की चर्चा। दिल्ली में नड्डा से मिले सुरेश कश्यप, पदभार से मुक्ति करने का आग्रह। पुलवामा हमले को सरकार की नाकामी बताने के बाद सीबीआई की रडार पर सत्यपाल मलिक पूछताछ के लिए मिला समन। सूडान से भारतीयों की निकासी के लिए तैयार करें प्लान। पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग में दिए निर्देश। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर शीर्ष कोर्ट जाएगी शिंदे सरकार। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की तैयारी। सत्यपाल मलिक को सीबीआई के समन पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस बोली, यह तो होना ही था। डीके शिवकुमार के नामांकन स्वीकार। जांच के बाद 3000 से अधिक वैध उम्मीदवार मैदान में। अजित पवार का बड़ा बयान, बोले एनसीपी 2024 इंतजार ना करें, अभी करें सीएम पद के लिए दावा। पंजाब में आप एमएलए के पिता गिरफ्तार। प्रॉपर्टी डीलर को ब्लैकमेल कर 10 लाख वसूलने की कोशिश। गुजरात में आपको फिर झटका। पार्टी के दो और पार्षद भाजपा में हुए शामिल। पार्षदों की संख्या घटकर 27 से घटकर 15 रह गई। केरल हाई कोर्ट के जस्टिस एस के भट्टी बने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कानून मंत्री रिजिजू के ट्वीट कर दी जानकारी। भाजपा ने डीएमके पर किया हमला, कहा स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में भ्रष्टाचार का जहर घोल रही है। जगदीश शेट्टार का बड़ा बयान, बोले सत्ता की भूख नहीं सिर्फ सम्मान चाहता हूं। पुंछ के हमलावरों की तलाश जारी। आतंकियों को पकड़ने के लिए ड्रोन खोजी, कुत्तों और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। तरन तारण के गुरुद्वारे में मिला बम। खुदाई के दौरान बरामदगी, रेहड़ी वाला हाथ में लेकर घूम रहा था। राज्यपाल नंदीबेन पटेल व सीएम योगी ने ईद उल फितर की दी बधाई। महापौर प्रत्याशियों को मिला चुनाव चिन्ह। प्रयागराज में निकाय चुनाव 4 मई को, महापौर के लिए किस प्रत्याशी मैदान में उतरे। यूपी की सभी नगर निगमों और बड़ी नगर पालिकाओं को मथेंगे सीएम योगी। बीजेपी करेगी धुआंधार प्रचार। अयोध्या में सड़क हादसे में 4 की मौत, 40 घायल। लखनऊ से जा रही बस पर पलटा मार्बल भरा ट्रक, मोड़ पर हुआ हादसा।
निकाह से इनकार करने पर प्रेमी मौलवी को जड़ा थप्पड़। झाड़फूंक के बहाने युवती से बढ़ाई थी नजदीकियां, दोनों हो गए थे फरार। सब्जी विक्रेता की सिर पर ईंट मारकर हत्या। लखनऊ में सब्जी के दाम को लेकर हुआ था विवाद, जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव में ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर, पहिए के नीचे दबने से युवक की मौत। ममेरा भाई घायल, एक साल पहले हुई थी शादी। मिर्जापुर में सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा स्टॉक रूम। राजकीय पॉलिटेक्निक में पर सड़क ने किया निरीक्षण, करी सुरक्षा के दिए निर्देश। अतीक अशरफ की हत्या को लेकर आतंकी धमकी। अलकायदा ने कहा हम बदला लेंगे, सात पन्नों का संदेश जारी किया। युवक की गर्दन काटकर हत्या मेरठ में। लाश को गांव में छोड़कर भागे हत्यारे, सड़क किनारे खून से लथपथ मिली लाश। वेस्ट यूपी के मीट कारोबारी पुलिस की राडार पर। पूर्व मंत्री याकूब की मीट फैक्ट्री हुई सील। शाहिद अलखाक के खिलाफ की शिकायत। गोरखपुर में नाबालिग छात्रा से रेप, अकेला पाकर घर में घुस गया। पड़ोसी शिकायत की तो आरोपी और उसके घर वालों ने पीटा। बदमाशों का मुखबिर था पड़ोसी, झांसी में बताया था रोजाना लाखों का माल लेकर जाता है सराफा व्यापारी। मुठभेड़ में चारों अरेस्ट। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा 100 बेड के आईसीयू अस्पताल से वंचित कर दिया। इटावा में निकाय चुनाव का नामांकन प्रक्रिया जारी, भाजपा और बसपा ने नहीं की प्रत्याशियों की घोषणा। सफीपुर विधायक को गोली मारने की धमकी, एसपी के सीयूजी नंबर पर आई कॉल। फेसबुक पर भी डाली पोस्ट, लिखा जुलाई में मारूंगा। बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत, साथी घायल। जुमे की नमाज के बाद खरीदारी करने आए थे बाजार। अंबेडकर नगर में मरीज से इलाज के नाम पर ठगी, बाहर से दवा लाने पर भी अस्पताल ने मांगे ज्यादा रुपए, पक्का बिल नहीं देने का भी आरोप। सहारनपुर में कोरोना के 5 नए केस, एक्टिव मरीजों की संख्या 25 पहुंची। घर स्वस्थ होकर लौटे 60 लोग। अलीगढ़ में मेयर की टिकट के लिए सपा में घमासान, कार्यकर्ताओं ने लगाया भेदभाव और अनदेखी का आरोप। कार्यालय पर शुरू किया अनशन। सहारनपुर में नाबालिग बेटी से पिता ने किया रेप, पीड़िता बोली पापा कई सालों से जबरन दुष्कर्म करते, विरोध करने पर पीटते हैं। गाजीपुर पालिका परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा सपा में टक्कर, पिछले 5 चुनावों में सपा के हार की वजह बनते रहे शरीफ राइनी। मोहम्मदाबाद में एनकाउंटर, 25,000 का इनामी गिरफ्तार। पुलिस ने बाइक समेत असलाह किया बरामद, एक साथी फरार। हसनपुर में कार ने बाइक में पीछे से मारी टक्कर, आग लगने से बाइक जलकर राख, मासूम समेत 3 घायल। अक्षय तृतीया को लेकर प्रशासन अलर्ट, मथुरा वृंदावन में उमड़ेगी भीड़। डीएम और एसएसपी ने अफसरों को सुरक्षा के दिए टिप्स।
बलिया में सड़क किनारे पड़ा मिला बुजुर्ग का शव। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के किनारे गड्ढे में पड़ा था, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। भदोही में टिकट को लेकर सपा में घमासान। जिलाध्यक्ष ने तरुण आरा को बनाया था प्रत्याशी, सपा से क्रांति देवी ने किया नामांकन। बरेली में महिला से रेप वीडियो क्लिपिंग बनाई, महिला बोली 5 महीने से वायरल करने की दे रहा था धमकी, आरोपी पर FIR। बलिया SP ने चौकी प्रभारी हनुमानगंज को किया सस्पेंड, 11 वर्षीय बालक हत्याकांड का खुलासा होने पर सामने आई थी लापरवाही। गोरखपुर के ब्लैक हॉर्स रेस्टोरेंट में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, 3 गाड़ियों ने 1.5 घंटे में पाया काबू। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं, कहा यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि उन्नति एवं सौभाग्य लेकर आए। सीएम धामी ने देवभूमि में पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का किया स्वागत, कहा सभी श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वचनबद्ध हैं। सीएम धामी का बड़ा फैसला, जन समस्याओं एवं शिकायतों पर हुई कार्रवाई का स्वयं भी फीडबैक लेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू, मुखबा में मां गंगा की डोली रवाना, तीर्थयात्रियों की संख्या पर लगी रोक भी हटी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सारी व्यवस्थाएं हुई ध्वस्त, 4 घंटे ठप रहा पंजीकरण, धूप में बैठे रहे तीर्थयात्री। उत्तराखंड के मां यमुना के मायके पहुंचे सीएम धामी, आज खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। उत्तराखंड में गंगा में अवैध खनन मामले, हाईकोर्ट सख्त, सरकार को निगरानी कमेटी बनाने के निर्देश। उत्तराखंड के हरिद्वार से चारों धामों तक रहेगी कड़ी सुरक्षा, 4000 की संख्या में फोर्स रहेगी तैनात। तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर, चारों धामों में दर्शन के लिए कोटा खत्म, सिर्फ पंजीकरण जरूरी। चार धाम यात्रा पंजीकरण ना होने पर यात्रियों ने किया हंगामा, किस्तों में मिला 50-50 का कोटा। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बीच पिंडारी ग्लेशियर में फंसे 14 विदेशी ट्रैकर, 2 भारतीय गाइड भी शामिल। उत्तराखंड में 7 जिलों के अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश, सतपाल महाराज ने मंत्री से कहा पंचायतों को मिला पैसा तय सीमा पर खर्च हो। उत्तराखंड चीन सीमा पर एक ही दिन में 5 जगहों पर हिमस्खलन, खिसक कर सड़क पर आए ग्लेशियर। उत्तराखंड में विदेशी परिवार ने हनुमान मंदिर में जपा राम नाम, लगाया ध्यान, देखते रह गए सैकड़ों श्रद्धालु। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के 154 मरीज मिले, 1 की मौत, 388 हुए सक्रिय मामले। बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान, बोले बातचीत करने भारत नहीं जा रहा, जाने की वजह SCO समेत।
कनाडा के एयरपोर्ट से 121 करोड़ का सोना चोरी, पूरे कंटेनर को उठा ले गए चोर, 3 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। अमेरिका में भारतीय छात्र की हत्या, आंध्र प्रदेश का रहने वाला था 24 साल का शाइस वीरा। अमेरिका में 6 साल की बच्ची पर फायरिंग, पड़ोसी के घर बॉल उठाने गए थी, पिता ने सवाल किया तो उस पर भी गोलियां चलाई। रूसी फाइटर जेट ने अपने ही शहर पर की बमबारी, सड़क पर बना 65 फीट का गड्ढा, कई इमारतों को भारी नुकसान। पाकिस्तान में तेजी से बिगड़ रहे आर्थिक हालात, बड़ी संख्या में देश छोड़ने को तैयार हैं पाक नागरिक। पाकिस्तान संसद ने चलाई सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों पर कैची, सीजेपी की शक्तियों को कम करने के लिए कानून अधिसूचित किया। ब्रिटेन के डिप्टी पीएम ने दिया इस्तीफा, वरिष्ठ कंजर्वेटिव सांसद पर लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने का आरोप था। बढ़ते नशे की लत के कारण नीदरलैंड सरकार ने किया फैसला, निकोटीन पाउच पर लगा बैन। दक्षिण अफ्रीका में अंधाधुंध फायरिंग, एक ही परिवार के 10 लोगों की सामूहिक हत्या। ट्विटर ने ब्लू टिक हटाया, डॉर्सी ने लॉन्च किया ब्लू स्काई ऐप में मिलेंगे ट्विटर जैसे फीचर्स। सुंदर पिचाई को 2022 में 1854 करोड़ रुपए की कमाई, इनमें से 1788 करोड़ रुपए स्टॉक रिवॉर्ड से मिले। रिलायंस इंडस्ट्रीज का Q4 FY23 का रिजल्ट, चौथी तिमाही में RIL का नेट प्रॉफिट 19%। वेगनार एक साल में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी, मारुति ने इसकी 2.12 लाख यूनिट बेची। स्टारबक्स को टक्कर दे रहे कॉफी बिजनेस में उतरे अंबानी, प्रिंट ए मैनेजर का पहला स्टोर मुंबई में ओपन किया। वोडाफोन आइडिया के बोर्ड में बिरला की वापसी, कंपनी ने कुमार मंगलम को एडिशनल डायरेक्टर बनाया। HDFC के नए डिप्टी MD बने के जाद भरूचा, मावेश झवेरी को बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया। RBI बुलेटिन ने किया बड़ा दावा, कहा मौद्रिक नीति का दिख रहा असर, महंगाई में पर्याप्त कमी। महंगाई के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं, RBI गवर्नर बोले मौद्रिक नीति को लेकर उठाए गए कदमों पर करीबी नजर। कूने एक साल में 30% कर्मचारी निकाले, ग्लोबल स्लोडाउन बनी वजह। चेन्नई के हैदराबाद पर 15वीं जीत, 7 विकेट से जीता मुकाबला, कॉनवे ने जमाई 50 की हैट्रिक। चेन्नई अहमदाबाद में होंगे IPL 16 के प्लेऑफ मुकाबले, 23 मई को पहला, 26 को दूसरा क्वालिफायर।
एशिया कप में न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे भारत के मुकाबले। पीसीबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को भेजा प्रस्ताव। एशियन गेम्स में टीम इंडिया हिस्सा नहीं लेगी। बीसीसीआई ने पुरुष और महिला क्रिकेट टीम भेजने से इनकार किया। रेसलर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष विवाद पर बोली विनेश फोगाट, कहा क्यों हमारा सिस्टम ब्रिजभूषण शरण जैसे माफियाओं के आगे नतमस्तक हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बुरी खबर, स्टार ऑलराउंडर वेन स्टोक्स अगले कुछ मैचों में खेलना मुमकिन नहीं। चेन्नई में खेलने से धोनी को है मोहब्बत, कैरियर के आखिरी दौर में भावुक हुए माही। चेन्नई सुपर किंग्स ने चेपक में दर्ज की 20वीं जीत, धोनी के किले को भेद नहीं पाया हैदराबाद। पंजाब किंग्स को लेकर हरभजन सिंह का बड़ा बयान, शिखर धवन के बिना टीम नहीं पहुंच सकती टॉप पर। रिंकू सिंह पर बुरी तरह भड़के युवराज सिंह, बोले कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है यह मायने नहीं रखता। दिशा पाटनी ने वाराणसी में की गंगा आरती, फैन पेज ने शेयर किया वीडियो, क्रॉप टॉप और शॉल में आई नजर। नौ लाख का बैग लिए नजर आए सुहाना खान, एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट, ब्लू प्रिंटेड ड्रेस में दिखी बेहद स्टाइलिश। कूल एंड कंफर्टेबल लुक में नजर आई जानवी कपूर, व्हाइट आउटफिट में आई नजर। विवादों के बीच आलिया ने नवाजुद्दीन को कहा थैंक यू, आलिया की फिल्म में नवाज ने किया कैमियो। फिर पैपराजी पर भड़की जया बच्चन, आदित्य चोपड़ा के घर के बाहर सख्त आवाज में कहा बहुत हो गया पीछे जाइए। असल जिंदगी में प्रियंका बन गई थी ऐतराज की सुनिया, मां ने लगाई थी डांट, बोली उस किरदार से बाहर निकलना मुश्किल था। पूजा हेगड़े का थ्रोबैक वीडियो वायरल, ब्यूटी पेजेंट में लिया था हिस्सा, ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस ने की तारीफ। ट्विटर से ब्लू टिक हटने पर सेलिब्रिटीज ने किया रिएक्ट, अमिताभ बच्चन बोले ट्विटर भैया वो जो नील कमल हो थे ना वापस लगाए दे। रोम की सड़कों पर रोमांस करते दिखे निक, प्रियंका हाथों में हाथ डाले आइसक्रीम का उठाया लुफ्त। उर्वशी रतौला ने शेयर किया पोस्ट, बोली फिर से भरोसा करने में वक्त लगता है, बाद में डिलीट किया कैप्शन। प्राइम शतक में अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।